देश की जाट राजनीति में सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उधर गृह मंत्री अमित शाह धड़ाधड़ बैठकें कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में करीब पीएम मोदी और जेपी नड्डा के बीच 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते मोदी कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच दिल्ली में मरुधरा के दो युवा जाट नेताओं की सक्रियता काफी चर्चाओं में है। पिछले दिनों राजस्थान के दो युवा जाट नेता रामअवतार पलसानिया और पीएस कलवानिया और जयपुर के एक प्रमुख समाज सेवी की दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बैठकें हुई। सियासी हलकों में चर्चाएं हैं कि पलसानिया और कलवानिया ने संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की है। ये मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि जाट समुदाय की नाराजगी और पिछले 6.5 महीनों से जारी किसान आंदोलन भाजपा के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। लिहाजा ऐसे वक्त में दो तेज तर्रार नेताओं की दिल्ली में हुई आला नेताओं के साथ एक बैठक सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चाएं हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल फेरबदल के फीडबैक को लेकर भी भाजपा के आला नेताओं और पीएमओ ने चर्चा की। इस मुलाकात के पीछे बिजनेसमैन जाट एनआरआई की भूमिका बताई जा रही है। लिहाजा ऐसे में ये मुलाकात कई मायनों में अहम हो जाती है। गौरतलब है कि दोनों युवा जाट नेता रामतार पलसानिया और पीएस कलवानिया इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के हैं संयोजक। 1 मार्च 2020 को जाट संसद का ऐतिहासिक आयोजन हुआ था जिसमें देश प्रदेश के 62 देशों के जाट एनआरआई उपस्थित रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।